सभी को मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। साल 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में तो 5 साल के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में सीएम पद के लिए लड़ाई अब भी जारी है। और अब तो विधानसभा चुनावों का समय करीब है, अब ऐसे में सीएम के लिए लड़ाई और ज्यादा मुखर होती नजर आ रही है। और इसी विवाद पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर तीखा हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि अब मैं ये कह सकता हूं कि सरकार के पास ये कहने का वक्त नहीं है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ, अब सरकार को खुद का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखना होगा, और जब सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर निगाह डालते हैं तो शून्यता के अलावा दूसरी कोई चीज नजर नहीं आती। हर मोर्चे पर वादा खिलाफी, लूट और झूठ की सरकार, और इस सरकार के अंतर्द्वंद ने जिन 200 मिनी मुख्यमंत्रियों को जन्म दिया, उन्होंने पूरे 5 साल जनता को लूटने का काम किया है। कि सरकार के पास अब ये कहने का वक्त नहीं है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब सरकार को खुद का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखना पड़ेगा। और जब सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर निगाह डालते हैं तो शून्यता के अलावा दूसरी कोई चीज़ नज़र आती नहीं। हर मोर्चे पर वादा खिलाफी, लूट और झूठ की सरकार, और इस सरकार के अंतर्द्वंद ने जिन 200 मिनी मुख्यमंत्री को जन्म दे दिया, उन्होंने दस्तूर पूरे 5 साल तक सरकार को, जनता को लूटने का काम किया। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत जी ने सत्ता हथियाई, जिस प्रकार का वातावरण बना उसके अंतर्द्वंद से सरकार का जन्म हुआ। जब संघर्ष के दिन थे तब सचिन पायलट आगे थे, और जब सत्ता का स्वाद चखना था तो जादूगर की जादूगरी का कमाल दिख गया और वो सत्ता की कुर्सी पर जा बैठे। साथ ही कहा कि सीएम खुद ये कहने लगे कि मैंने अपने उपमुख्यमंत्री से बात नहीं की, संवादहीनता के कारण विद्रोह हुआ, और विद्रोह होने के बाद से लेकर टेलीफोन टैपिंग तक नालायक, निकम्मा, गद्दार जैसे कई शब्द राजस्थान के संसदीय लोकतंत्र में पहली बार गूंजने लगे। और आज तक अशोक गहलोत जिस प्रतिशोध की राजनीति में सचिन पायलट और उनके साथियों के साथ बदला ले रहे हैं, वो उनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब इनको जन अदालत में जाना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट को जानने और मानने वाले लोग भी सेल्फ रूल के लिए तैयार खड़े हैं। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार सत्ता हथियाई और जिस प्रकार का वातावरण बना और अंतर्द्वंद से सरकार का जन्म हुआ, जब संघर्ष के दिन थे तब सचिन पायलट आगे थे, और जब सत्ता का स्वाद चखना था तो जादूगर की जादूगरी का कमाल दिख गया कि वो सत्ता की कुर्सी पर जा बैठे, कुर्सी पर भी जा बैठे और खुद यह कहने लगे कि मैंने बरसों तक मेरे उप मुख्यमंत्री से बात नहीं की, संवादहीनता के कारण से विद्रोह हुआ, और विद्रोह होने के बाद में टेलीफोन टेपिंग से लेकर निर्लज्जता, नालायक, निकम्मा, गद्दार कई शब्द राजस्थान के संसदीय लोकतंत्र में पहली बार गूंजने लगे। और आज तक अशोक गहलोत जी जिस प्रतिशोध की राजनीति में सचिन पायलट और उनके साथियों के साथ जो ले रहे हैं बदला, राजनीतिक बदला, वो अब इनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब इनको जन अदालत में जाना पड़ेगा, वहाँ सचिन पायलट को जानने और मानने वाले लोग भी सेल्फ गोल के लिए तैयार खड़े हैं। राजनीति के सियासी भंवर में कई बड़े चेहरे सचिन पायलट का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, और ये साफ कह रहे हैं कि मेहनत सचिन पायलट ने की और स्वाद गहलोत ने चखा। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ, और इसी के साथ में आप हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप ताजा खबरों से अपडेट रहें।